राम राम साहब, मैं हूँ गीता चौधरी। मारवाड़ रसोई में आप सभी रो बहुत बहुत स्वागत है। आज अपा बनावा राजस्थानी पालक वाली मसाला बाटी। आ खाने में तो टेस्टी लागे ही करे, हाथे अपने हेल्थ वास्ते भी बहुत बढ़िया होया करे। बच्चा है जो कि पालक थोड़ो दोरो खाया करे, तो इन तरीकों आप बाटी और अलग अलग तरीके की रेसिपियाँ बनाने बने खिला सको। तो चलो आप बाटी बनानी शुरू करा। तो पालक की बाटी बनाने वास्ते अठेंगू पहला मैं 150 ग्राम पालक ले लियो। पालक ने धोन बढ़िया साफ कर लियो। एक बर्तन रे मैंने पानी ले लियो एंड पालक ने भी मैंने डालन इन्हें उबाल लेवा। इन मैंने मैं आधा चमच शक्कर नेकूँ। शक्कर नेकने कहीं हुई कि पालक रो जो कलर है एकदम हरो हरो बनियो रहे, कालो नहीं पड़े। इन वास्ते इन मैंने मैं आधा चम्मच शक्कर डाल दी एंड पालक ने 1-1.5 मिनट अपने उबालनो है। इनू ज़्यादा पालक ने नहीं उबालनो है, 1-1.5 मिनट ही उबालनो है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा उबलियोड़ो भी पालक काम रो नहीं रहे। तो गैस बंद करन भगोले नीचे मेल देवा एंड पालक ने हाथों हाथ पानी रे बाहर काट लेवा। गर्म पानी रे मैंने पालक ने नहीं छोड़नो है और बिन पानी हूँ निकाल पर रहा। अपा ने एकदम ठंडे पानी में डाल देना है पालक ने, एकदम ठंडो पानी लेना है। बिनू आप देख जो कि पालक है जो एकदम हरो हरो बनियो रहेला, बिल्कुल कालो नहीं पड़ेला। अब पालक ने अपा एक मिक्सी रे जार में डाल देवा। ऊपरू थोड़ा सा धाना ले लिया, वह भी डाल देवा। धाना ने मैं डंटल सहित लिया हूँ, डंटल अलग नहीं करिया हूँ। इनो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आई। आधो इंच अदरक रो टुकड़ो लियो हूँ। 5-6 लहसुन री कुड़ियाँ ली और 2 हरी मिर्चा ले ली। एने भी थोड़ी छोटी छोटी बोटन गाल देवा मैंने और इन सब चीज़ा ने अपा एक पीस पर इन बढ़िया पेस्ट बनाए लेवा। तो देखो पालक ने मैं बढ़िया पीस लियो हूँ एंड पालक रो कलर आप देख सको एकदम हरो है, बिल्कुल कालो नहीं पड़ियो है। इन वास्ते थोड़ो सी बात रो ध्यान रखन, कोई चीज़ बनाओ बहुत ही अच्छी बने। अब एक परात रे मैंने अपा आटो ले लेवा गंवारो। मैं अटे गंवारो आटो ले रही हूँ और ए बाटी गंवारे आटो रिच बढ़िया ला गया करे। इन मैंने आप गाल देवा 2 चमचिया बेसन। मैं अटे 1 कटोरी गंवारो आटो लियो, बिन मैंने 2 चमचे बेसन गालनो है हलो नहीं। 1 चमचो पीसियोड़ा धाना। टेस्ट अनुसार नमक गाल देवा। 1 चमचो लियो मैं अटे। 1 चमचो रात की पीसियोड़ की मिर्चा। आधो 1 चमची हल्दी। आधो 1 चमचो जीरो नेक देवा। 1/2 चम्मच इजो लेव। इन्हें थोड़ा गाता हूँ मसाला नेक देव तो थोड़ा टेस्ट बढ़िया आई। 1 चमचो साबुत धाना हुए जिका लिया हूँ, मैंने थोड़ा गाता हूँ मसाला नेक देव। 1/2 चम्मच इन मैंने चाट मसालो नेक देव। इन जगह हाँ अमचूर पाउडर भी ले सको। सिर्फ 1 चुटकी इन मैंने बेकिंग सोडो गाल आप, सिर्फ 1 चुटकी गालनो है बिनू बतोनी। 2 चमचे गाल दूँ इन मैंने घी मोण वास्ते। घी की जगह तेल भी ले सको था पर घी सही रहे थोड़ो। अगली चीज़ों ने बढ़िया मिलाई लेव। 2 कांदा लिया हूँ एंड एकदम मैया मैया बोट लिया एक नेक देव इन मैंने। हमें आप जो को पालक रो पेस्ट बना रखियो वो थोड़ो थोड़ो ले परो नीनो आटो सन लेव। एक हाथ पूरा नहीं गालनो है, पहले थोड़ा थोड़ा ले लेवा क्योंकि आटो हलो गिल्लो नहीं होनो चाहिए। थोड़ा काटो आटो रही जन बाटी हो रही बनी तो ओ तो अपन पूरा ही काम में आएगो है। तो इन मैंने जब थोड़ा पानी गालन ले लो एंड आटो सनने में काम ले लेवा पूरी चीज। आटो एकदम काटो राखनो है बाटी रो, ज़्यादा गिल्लो नहीं राखनो है। इन महीने में पानी रो यूज़ तो बिल्कुल कम करी हूँ, बस 1/2 कप पानी गालियो। तो आटो हकरो ओसनीज गो है तो इन आप 10-1 मिनट वास्ते साइड में रख दा। अट इन गैस चालू कर बाटी वालों कुकर गैस मात मेल दा। गैस एकदम वड़े कर परोन थोड़ो इन गर्म हूँ दे। आटे ने फाचो थोड़ो मसल परोन इन बाटी बनाई लेवा। बाटी ना ज़्यादा मोटी बनावनी है ना ज़्यादा छोटी बनावनी है, मीडियम साइज री बाटी बनान तैयार कर लेवा। इन तरीक़ों बनियोड़ी बाटी बहुत ही टेस्टी लागिया करे एंड खासकर बच्चा वगैरह होया करे जगह ने पालक वगैरह नहीं खाया करे तो मैंने पालक खाणनो खाड़नो और बहुत ही बढ़िया तरीको है।
कि इन तरीके था बाटी महीने पालक डालन कोई भी पराठे महीने इन तरीके उतर पराठा भी बना सको। हम जैसे आप बाटी बन रही है तो इन था बेलन पराठों भी बना सको तो वो भी बहुत टेस्टी बनेला। और कोई अलग तरीके नाश्तों भी बना सको, एने बेल परा और एने पतला पतला काटन सेलो फ्राई कर भी खा सको बच्चा ने, वो भी बहुत अच्छो रहा करे। पर बाटी भी बहुत अच्छी बने। अब वो थोड़ो गर्म हो गयो तो बाटी सगली अपन इन मात रख देवा। गैस पहला थोड़ी देर आप धीरे ही रखा, ज़्यादा तेज गैस कर इन्हें सेकाला तो बाटी है जी की बारू तो पूरी बल जाला मैनू काची रह जाला। तो देखो एक साइड थोड़ी बाटिया सिकन उगी है तो आप इन्हें पलट दा जी दूसरी साइड भी बटिया सिक जावे। वापस ढक्कन लगा ने सिकन देवा। तो देखो अल्ट पल्ट कर प्रीन मैं बढ़िया ने सेक ली हूँ। और भी कटु दिखे के काची रह रही है, थोड़ी सीकी कम है तो मैंने आडी तिरछी रख प्रीन बहने यूँ देखो इन तरीके ऊ भी रख देवा विनू चारू मेरू है बढ़िया सीख जाई कटी नू काची नहीं रहे। तो एक मिनट वास्ते पाचो ढक्कन लगा दियो तो एकदम है बढ़िया सिकन चारू मेरू बढ़िया सिकन तैयार उगी है। तो गैस बंद कर देवा एंड बाटी ने एक प्लेट मैंने निकाल लेवा। तो सगली बाटिया ने अपा एक प्लेट मैंने निकाल ली। अब अपा इन मैंने घी लगावा, घी लगोड़ी बाटिया टेस्टी लाग्या करे थोड़ी और ज़्यादा। तो इन महीने अपा इन थोड़ी थोड़ी तोड़ पर इन महीने तक बढ़िया देसी घी डाला। आप चाहो तो तिल्ली रो तेल भी डाल सको इन महीने, पर घी है ज़्यादा टेस्टी लागी थोड़ी तो आप इन महीने बढ़िया घी लगाई दा। तो सगली बाटिया ने मैं यूँ घी लगा तैयार कर लेवा विन बाद में आप चाहो तो इन्हें हजू कोरी भी खा सको क्योंकि ये मसाला बाटी है तो यूँ ही बहुत बढ़िया लागी। और दाल साथे खा सको, चटनी दही सॉस अचार कोई भी साथे सरो करोलानी बाटी बहुत ही टेस्टी लाग्या करे। पर इन्हें गर्मा गर्म घी लगान कोरी बाटी भी जी मानी तो बहुत ही बढ़िया लागी क्योंकि ये मसाला बाटी है, पालक डालियोड़ो है मसालो डालियोड़ो है तो विनू टेस्ट यूँ भी बहुत अच्छो आई नो। तो देखो सगली बाटिया ने मैं एक प्लेट रे मैंने सर्व कर लूँ, सब माते घी लगाई दियो एने दाल साथे सर्व करो तो भी और भी अच्छी लागी, यू भी था इन्हें खा सको। तो वीडियो थाने केड़ोक लागो मैंने कमेंट करन जरूर बताइजो। वीडियो हकरो लागे तो इन्हें लाइक एंड शेयर कर दीजो। तो बड़ मिला ला एक नए वीडियो हाथे जटते ही राम राम सा।